सो फाइनली दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और हमारे सामने इसकी प्राइस डिटेल्स और लॉन्चिंग डेट भी आ चुकी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हाल फिलहाल हमारे सामने लीक इमेजेस सैमसंग गैलेक्सी A55 की। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ में एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिलती है और नीचे की तरफ आपको बैक साइड में सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वही बात करें यहाँ पे फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको साइड में बेजल्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही कम है। ऊपर की तरफ आपको पंच होल कट देखने को मिल जाएगा, साथ में जो डिजाइन है पूरा बॉक्सी होगा। तो मेरे हिसाब से ये डिजाइन इस बार आपको बिल्कुल एप्पल के बॉक्सी डिजाइन की तरह देखने को मिल जाएगा। डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इस बार जो फ्रेम है आपको मेटेलिक देखने को मिलेगा, जहां पर आपको थोड़ा शाइनी और थोड़ा ग्लॉसी डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिजाइन की दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिजाइन है जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल बॉक्सी होगा। वही डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी बताया नहीं गया कि कौन सा डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब वो डायनेमिक होगा या OLED होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ देखने को मिलेगी। टच काफी अच्छा होगा, जैसा कि आपको पता है डिस्प्ले के अंदर सैमसंग किंग है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर बात करें यहाँ पे फुल HD रिजोल्यूशन मिल रहा है दोस्तों, तो हाल फिलहाल अभी कितने पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल रहा है वो नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब कंटेंट, नेटफ्लिक्स कंटेंट को आप इजीली कंज्यूम कर पाएंगे। काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको सारी चीजें क्रिस्प और शार्प दिखेगी, कलर एक्यूरेसी भी प्रॉपर दिखेगी। तो यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस डिस्प्ले के साथ में आपको कोई भी शिकायत देखने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे रैम और स्टोरेज के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट ही देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 8GB प्लस 128GB मिलेगा, साथ में 8GB प्लस 256GB देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों कहीं पर भी मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट जरूर मिलेगा जो कि यहाँ पे 5G सपोर्टेबल होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की दोस्तों। तो बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A55 के अंदर इस बार जो प्रोसेसर होगा वो सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर होगा, यानी कि एक्सिनोस 1480 यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेसर वाइज अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलेगा, साथ में UFS 3.1 भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर प्रोसेसिंग के अंदर अगर आप देखी जाए तो गेमिंग के हिसाब से आपको यहां पर कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमसंग इस बार जो अपना प्रोसेसर लॉन्च करेगा वो काफी पावरफुल होगा और वो बिल्कुल इसके परफॉर्मेंस को एनहेंस करके देगा। तो यहां पर हम बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग आप यहां पर ठीक ठाक कर पाएंगे स्मार्टफोन के अंदर, लेकिन सैमसंग कभी भी ये बोलकर फोन को लॉन्च नहीं करता कि ये हम कोई गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात की जाए दोस्तों, तो गेमिंग ठीक ठाक कर पाएंगे, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहेगी और यहां पर आपको UFS 3.1 भी मिल रहा है, तो स्मूथनेस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यहां पे कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों। तो पीछे की तरफ आपको एज यूजुअल सेम डिजाइन ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको S सीरीज के अंदर देखने को मिल जाता है। तो पीछे की तरफ आपको मेन कैमरा जो होगा दोस्तों वो होगा 50MP का और यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। 12MP का अल्ट्रा वाइड होगा और 5MP का मैक्रो लेंस होगा। वहीं बात करें यहाँ पे फ्रंट की, तो यहां पर भी आपको 32MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि आपको यहां पर EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों। तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा एंड्रॉइड का, यानी कि एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो UI है वो यहां पर आपको वो भी अपडेटेड वर्जन मिलेगा सैमसंग की तरफ से, जो कि काफी एनहांस करके इंप्रूव करके लॉन्च किया गया है। और यहां पर जो मिलेगा वर्जन वो होगा UI 6.0। तो यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशंस बार्स के अंदर, इमेजेस एडिटिंग के अंदर और भी काफी चीजों के अंदर यहां पर इंप्रोविजन करके बनाया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की दोस्तों। तो ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, कॉम्पैक्ट डिजाइन का थोड़ा आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है तो बैटरी भी आपको यहाँ पर पावरफुल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 5000mAh की फुल बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो डिवाइस है वो मात्र 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। मतलब 2024 के अंदर भी आके हमें 25W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। और अगर ये वीडियो सैमसंग टीम के पास भी जाता है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट 45W की चार्जिंग तो आप दें, और हो सके तो डब्बे के अंदर ही चार्जिंग प्रोवाइड कराएं, अदरवाइज आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स और सेंसर्स की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैटर्न लॉक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि एज यूजुअल होता ही है स्मार्टफोन्स के अंदर। साथ में बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर
फीचर्स की, तो ब्लूटूथ 5.2 या 5.3 आपको देखने को मिल सकता है जो कि एक अपडेटेड वर्जन होगा। साथ में यहां पर आपको दोस्तों NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है जो कि अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहां पर आपको नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर देखने को मिल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर आपको ड्यूल स्पीकर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको कहीं पर भी 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं यहां पे एक्सटर्नल बिल्ड एंड क्वालिटी की दोस्तों, तो पीछे की तरफ आप देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, एकदम प्लेन होगा और बैक साइड से आपको इस बार बिल्कुल मैट फिनिश देखने को मिल सकता है। वहीं पर इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि आपको ग्लॉसी वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं कुछ अदर चीजों की, तो नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको ड्यूल सिम की ट्रे देखने को मिल जाएगी और वहीं पर आपको यहां पे सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको यहां पे फोन को लॉक अनलॉक करने का एक सिंगल बटन देखने को मिल जाएगा और राइट साइड में वहीं पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल ये सारी लीक्स थी सैमसंग गैलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों बिल्ड की बात करें तो ग्लास जो है दोस्तों इस बार आपको फ्रंट में देखने को जो मिलता है वो एकदम फ्लैट होगा और साथ ही में यहां पर जो डिजाइन है वो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। ओवरऑल बात की है डिजाइन की तो बॉक्सी डिजाइन होगा, तो फोन काफी बढ़िया दिखने वाला है और ग्रिपिंग वगैरह भी काफी अच्छी रहने वाली है। सो ओवरऑल लुक्स की बात की है दोस्तों तो फोन काफी बढ़िया दिखने वाला है, कॉम्पैक्ट लगेगा, ग्लास जो है वो एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ आपको बिल्कुल ग्लॉसी डिजाइन में या फिर मैट डिजाइन में भी बैक पैनल के साथ में आपको ये फोन लॉन्च होता दिखाई दे सकता है। साथ ही में स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों आपको अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस ये सारी चीजें थी सैमसंग गैलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन को लेके। बात कर लेते हैं लॉन्चिंग डेट और प्राइस की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों फरवरी के एंड में ये कभी भी लॉन्च हो सकता है 2024 में, नहीं तो मार्च के एंड तक भी ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। उसके अलावा बात करें इसकी प्राइस की, तो अभी कोई भी प्राइस के बारे में भी बताया नहीं गया है, लेकिन लीक्स की माने तो यहां पर ये जो स्मार्टफोन है कम से कम 35,000 से लेके 45,000 के बीच में लॉन्च हो सकता है, यानी कि अंडर 50,000 के बीच में ये स्मार्टफोन आ सकता है। सो गाइस इतना ही था सैमसंग गैलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन के बारे में, और भी कुछ लीक्स निकल के आएंगी तो आप लोग के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।